सेकुलर स्टेट, इसको इंडिया को एक सेकुलर कंट्री कहा जाता है, उसके लिए इंडिया ने जो स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट किया है सेकुलर स्टेट कहलाने के लिए, उसमें से फर्स्ट स्ट्रेटजी कौन सी है? स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। मीन्स जैसे आप प्रेयर ग्राउंड में जाते हो तो वहां वन हैंड डिस्टेंस लेते हो, इसी तरह स्टेट ने अपने आप को रिलीजन से डिस्टेंस बनाकर रखा हुआ है। इसकी एग्जांपल जो है वो आपके बुक के पेज नंबर 22 में है, इसके अंदर है। सम स्टूडेंट्स जो है वो कुछ फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करना चाहते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वो अपने टीचर को कहते हैं कि हम स्कूल में जो है रिलीजियस सेलिब्रेट फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, तो उसके टीचर जो है वो गवर्नमेंट स्कूल है, वो टीचर कहते हैं कि हम अपने स्कूल के अंदर कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कंट्री जो है इंडिया जो है वो एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री होने के कारण इंडिया की जो स्टेट है वो रिलीजन से अपने आप को अलग रखती है, उसका कोई अपना पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है स्टेट का। स्टेट के लिए सभी रिलीजन बराबर है, उसके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है भी हिंदूइज्म को प्रायोरिटी दे या सिख को या मुस्लिम को या ईसाई को या अदर रिलीजन्स को। ये फर्स्ट स्ट्रेटजी जो है डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, ये जो है फर्स्ट जो है वो इंडिया ने सेकुलर कंट्री कहलाने के लिए अडॉप्ट किया है। सेकेंड है स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफियरेंस। नॉन इंटरफियरेंस के अंदर भी जैसे कि शब्द से ही क्लियर है, इंटरफेरेंस ना करना रिलीजन के अंदर। इसकी भी एग्जांपल आपके पेज नंबर 23 पे दी हुई है, इसके अंदर जो है ये वाली पिक्चर है आपके। इसमें जो है दो है फ्रेंड्स है, उन्होंने जो है वो एक स्कूटर लिया है। जब वो स्कूटर पे जाते हैं तो एक जो है वो उस दोस्त जो है वो हेलमेट पहनता है, दूसरा दोस्त जो है वो सिख है, वो टर्बन पहनी हुई है उसने। तो पहले वाला दोस्त कहता है कि आपने जो है वो हेलमेट नहीं पहना, तो सिख परमजीत जो स्टूडेंट है वो कहता है मेरे लिए जो है वो पगड़ी पहना जो है वो रिलीजन के अकॉर्डिंग है, तो इसके लिए मुझे जो है फाइन नहीं होगा। ये इसलिए है नॉन इंटरफेरेंस के कारण सरकार जो है उसके रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर कोई भी जो है वो इंटरफेरेंस नहीं करती। मीन्स उसको अपनी जो है वो रिलीजियस फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स जो है वो उसको प्राप्त है। इसीलिए दूसरी स्ट्रेटजी है स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, ये भी इंडिया ने अडॉप्ट की हुई है। थर्ड है स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें तो फ्रीडम मिली हुई रिलीजन की, हम जो चाहें कुछ कर सकते हैं, जैसे सेक्रीफाइस करना। इसके अंदर सेक्रीफाइस जो है वो ह्यूमन बीइंग का भी हो सकता है या एनिमल्स का भी हो सकता है। ये इसके अंदर इंडिया ने स्ट्रेटजी जो है वो इंटरफेरेंस की भी इंटरवेंस की भी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है। इसके अंदर जैसे अनटचेबिलिटी है, अपर कास्ट एक ही धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर अपर कास्ट लोग जो है वो लोअर कास्ट लोगों के ऊपर डोमिनेंस करते हैं, तो स्टेट जो है वो इंटरवेन कर सकता है उसके अंदर, करने के कारण उसकी जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट करने का भी उनका उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। इसीलिए ये तीन स्ट्रेटजी है, फर्स्ट है डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, सेकंड है नॉन इंटरफेरेंस, थर्ड है स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेन। तीनों ही स्ट्रेटजी जो है वो इंडिया ने अडॉप्ट की है, इसीलिए इंडिया को एक सेकुलर कंट्री कहा जाता है।